हाय गुड मॉर्निंग। जैसे आप सभी को पता है, अभी कुछ समय पहले जो मेरी फिल्म राक्षस है उसका टीज़र लॉन्च हुआ था, फिर ट्रेलर लॉन्च हुआ था। दोनों का ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, आप सभी का प्यार बहुत बहुत ज़्यादा मिला है, मैं शायद बता नहीं सकता। अब जो मेरी फिल्म है, पहले इसका जो बजट था वो काफ़ी ज़्यादा था, और अब मैं इस फिल्म के बजट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अभी कितना है, क्योंकि इस फिल्म को शूट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मैंने खुद परचेज कर ली है और बाकी एक कहीं से अरेंज की है, ठीक है। सो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जो फिल्म राक्षस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कैमरा। ये निकोन का D3100 DSLR कैमरा है। ये शायद आई थिंक 10 साल पुराना कैमरा है, जो मेरे मामा जी का लड़का है देवराज, उन्होंने मुझे दिया है पूरी फिल्म शूट करने के लिए एज अ फ्री। तो इसका मेरे को कोई चार्ज नहीं लगा, ये मेरे पास ही है जब तक पूरी फिल्म शूट करूँगा जब तक। तो थैंक यू सो मच भैया। फिर जो सबसे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है ये ट्राईपोड। ये ट्राईपोड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। एक्चुअली मैंने 3 ट्राईपोड मंगाए थे, तीनों मैंने रिटर्न कर दिए ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन, फिर एक फाइनली एक ये ट्राईपोड आया, ये ओन का है। ये जो मनीष है दोस्ती है वो मेरे को उसने मेरे को ला के दिया, ये मेरे को 1200 रुपये का समथिंग उसने ला के दिया और कोई उसने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया। सो थैंक यू सो मच मनी। ये मेरा खुद का अपना खरीदा हुआ है, किसे कोई उधार या किराया नहीं लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, माइक मीन्स ये लेपल माइक, ये बोया का है जिससे साउंड क्लियरिटी अच्छी आती है। और ये कम से कम इसकी वायर है कम से कम 20 फीट की दूरी पे, जिससे हम डायलॉग्स या किसी चीज़ की वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे ये 900,000 के समथिंग के, बट मेरे को ऑफर में 800 के समथिंग गिरा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आते हैं ये पर्दा जो देख रहे हो आप, ये सारी नहीं है, एक तरीके से ग्रीन पर्दा है क्रोमा, ये 12 फीट और 8 फीट लंबा चौड़ा है। इससे पूरी फिल्म पीछे, जैसे कोई अपने को बैकग्राउंड चेंज करना हो फिल्म में या कुछ डिफरेंट VFX लाने हो तो ये इसी से होता है। ये मैंने खुद ख़रीदा ये ऑनलाइन से ही। और सबसे मेन चीज़ जो फिल्म के जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, उसको चेक करने के लिए कि ये है नेक बैंड, ये लमसम 600 रुपये का मेरे को ऑफर में मिला है, ऑनलाइन ही ख़रीदा है। इससे ये 10 आवर इसका 10 घंटे इसका बैटरी बैकअप है और अच्छे से मेरे को चल जाता है। और इसके बाद जो मेन आता है, एक्चुअली जो शूट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो मेरा जो चश्मा पुराना वाला गया छोटा, तो उससे साफ नहीं था, तो ये नया चश्मा बना है 1000 रुपये के समथिंग। इस पर भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे खर्च किए, थोड़ा लगे कि हाँ फिल्म शूट कर रहे हैं। तो ये पूरा मेरा जो बजट होता है, जैसे कि 1200 रुपये का ट्राईपोड हो गया, 800 का लेपल माइक हो गया, 2000 रुपये, 2000 और क्या नाम है, 600 रुपये का ये माइक हो गया, तो 2600 रुपये, और 450 रुपये का जो ग्रीन पर्दा है वो हो गया, तो 3050 रुपये, और 1000 रुपये का ये तो 4050 रुपये। तो 4000 तो ये हो गए, 4000 सामान प्लस मेकअप का सामान, ये वो थोड़ा इधर उधर का सामान आया है, थोड़ी सी कोई चीज़ें जैसे ड्रेसेस हो गई, कोई उसका जो गेटअप हो गया, तो 1000 रुपये का वो पकड़ के चलो 900-800, तो 5000 टोटल अभी तक मेरे को खर्चा है कैमरे को हटाकर। हर फिल्म में जो शूट करने वाले जो एक्टर हैं कलाकार हैं वो सब बगरू के आसपास के एरिया से, जयपुर से भी ही कहीं से भी, सब जगह जगह से है। सो इसमें 40 से 50 लोग काम करेंगे अच्छे से। सो वो लोग मेरी फिल्म में फ्री काम कर रहे हैं, किसी को मैं कुछ पे नहीं कर रहा, ना ही वो लोग मांग रहे हैं। अब एक्टर कहीं भी किसी फील्ड के हो, आती हो ना आती हो, मैं उनको अच्छे से ले रहा हूँ क्योंकि काम मेरा है। और इस फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्टर, जो यहीं के आसपास के लोगों ने सपोर्ट किया है बिना किसी पैसे के चार्ज किए मेरे को काम दे रहे अपना, मैं उनसे बेस्ट लूँगा। और एक्टिंग की तो इसमें जो मेन लीड कैरेक्टर है वो तो मैं हुई, और साथ में और भी 3-4 कम से कम 10-12 कैरेक्टर इसमें ऐसे हैं जो अपनी एक्टिंग का इसमें एक्टिंग की इसमें छाप छोड़ेंगे, बहुत ही मंझे हुए एक्टर हैं, उनका आप देखना जो फिल्म बनेगी तब। अभी जो फिल्म बन रही है, ये एक तरीके से मेरा जो बजट था बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब मेरे पास ना तो काम नहीं है, मैं एक तरह से बेरोज़गार हूँ, क्योंकि इस फिल्म के चक्कर से मुझे अपने काम से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं फ़िल्म बनाऊँ, शायद उनको एक जलन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरा काम उनको पसंद ही नहीं है, तो इस चक्कर से मेरे पास अभी काम भी नहीं है और ना पैसा है। सो जो कुछ भी है अपनी कुछ चीज़ें बेचकर या कुछ भी कर ये फिल्म तो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, और ऐसे ही बनाऊंगा कि शायद
किसी ने अभी तक इस टाइप का सिनेमा नहीं देखा होगा कि इसने छोटे लेवल पे कम बजट में 10,000 रुपये के बजट में एक इतनी अच्छी पिक्चर बना सकता है। अगर ये फिल्म फ्लॉप भी होती है तो भी कोई नुकसान नहीं, 10,000 रुपये जो भी जेब से जाएंगे वो डूबेंगे, अच्छे अच्छों को डूब जाते हैं यार, 10,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, मायने नहीं है मेरे लिए या आप लोगों के लिए भी। पैसे मिलने से रहे, अब ये फिल्म अपलोड करूँगा तो इससे पैसे मिलने से रहे, मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं लगा रहा हूँ एक अच्छी चीज़ दिखाने के लिए। और सपोर्ट की बात, तो आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरी इस फिल्म में, शायद इतना सपोर्ट किसी को मिल रहा होगा या मिला होगा। हर फील्ड से, हर कास्ट से, हर दोस्त से, हर एक जगह से, चाहे वो राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी बैठा हुआ हो, जिससे मेरा कॉन्टेक्ट है, उन लोगों का सपोर्ट मिला है। और ये फिल्म जो बन रही है इसमें भी जिससे किसी की कार चाहिए, किसी की बाइक चाहिए, किसी का सूट चाहिए, किसी की ड्रेस चाहिए, किसी के सामान भी चाहिए, तो उन लोगों ने भी अच्छे से सपोर्ट किया है और करेंगे। किसी ने भी शायद नेगेटिविटी इस फिल्म में, जो इस फिल्म को जो नेगेटिव थॉट लेकर हैं लोगों के, वो 100 में से 98% जो फेवर में है, राक्षस फिल्म को चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि बनाओ हम देखेंगे, इच्छा है, उनके लिए बना रहा हूँ। बाकी 2% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि जो मेरी फिल्म बने या ऐसा हो कि हाँ लोग जाने पहचाने, मतलब पिट जाए, फिल्म बने ही ना, इसके पास पैसों की तकलीफ़ आए, ऐसा हो, ये बना के इसलिए बेस पर आए। अरे तो भाई सीधी सी बात है यार, ये फिल्म में बनाने के लिए कुछ पैसा नहीं चाहिए, फिल्म में जो चीज़ चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए। अब मेरे पास सारे सामान मेरे खुद के हैं, मैंने किराए पर नहीं लिए, तो किसी को किराया देना नहीं है मेरे को, ठीक है। दूसरी चीज़ एक्टर लोगों के, मुझे सिर्फ, और एक्टर लोग, अब एक्टर लोग आएंगे काम करने के लिए तो उनको मैं कुछ पैसा नहीं दे रहा, ना वो ले रहे हैं, कि एक्टिंग है जो मेरी फिल्म में काम आएगी, तो पैसा कहाँ लग रहा है। इसलिए जहाँ पे शूट पे गए या उनका चाय नाश्ता हो गया, थोड़ा बहुत खाना वाना भी हो गया, या उनकी गाड़ियों का पेट्रोल हो गया, जो सीन दिखा रहे हैं उसके लिए है। और इस फिल्म में जो, ये भी नहीं कि सब फ्री बैठे हैं, कोई फैक्ट्री जाता है, कोई क्या काम करता है, कोई पतासी बेचता है, कोई बेचारा बेलदारी मजदूरी जाता है, मैं भी कपड़ों की दुकान पर काम करता था, आज मैंने छोड़ दिया है, तो सब कुछ को अलग अलग फील्ड में काम करते थे, तो सबको छोड़ कर मैंने उनके जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही सेट करके मैंने अपने फिल्म का शूट रखता हूँ। जैसे किसी का सुबह 2 घंटा हो गया, शाम को 2 घंटे का, दोपहर को हो गया, रात को हो गया, तो सब मेरे को सपोर्ट करते हैं, मैं भी उनको उनके तरीके सपोर्ट करते हैं, किसी का काम ना रुके। और सबसे बड़ी चीज़, इस फिल्म का जो डायरेक्टर मैं हूँ, पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर मैं हूँ, स्क्रीन प्ले मैं हूँ, कैमरा मैन मैं हूँ, क्या नाम है, स्टोरी मेरी है, और फिल्म के डायलॉग्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, फिल्म की एडिटिंग मैं खुद कर रहा हूँ, इस फिल्म के म्यूज़िक इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मेरा है, कौन सी लोकेशन पर शूट करनी है, किसको कौन सा रोल देना है, कास्टिंग से लेकर ऑडिशन से लेकर सब मेरा खुद का, मैं खुद ही इस फिल्म में पूरा हूँ। तो इस फिल्म में जो बस एक्टर कोई और है, एक्टर आएंगे, एक्टर लोगों का नाम लिया जाएगा जो करेक्टर है, बाकी इस फिल्म में 80-90% मेरा खुद का ही है सारा सब कुछ, और 10% जो लोगों की है, जो एक्टिंग है, एक्टर है जो काम करेंगे इस फिल्म में, जो भी काम कर रहा हूँ 80-90% मेरा मैं खुद काम कर रहा हूँ, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे कास्टिंग हो, एक्सरसाइज है बाकी। और सबसे बड़ी चीज़ है इस फिल्म की एडिटिंग में कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है मेरे पास, ये इन्फिनिक्स हॉट एट है जिससे भी मैं शूट कर रहा हूँ। और मेरा प्रोडक्शन हाउस है राज मंडोतिया फिल्म्स, एक मैंने चैनल नहीं, एक प्रोडक्शन हाउस समझ के बनाया है उसको। ये जो फिल्म राक्षस है, राज मंडोतिया फिल्म्स जो प्रोडक्शन हाउस है, यूट्यूब पर उस पर अपलोड होगी, दशहरे पर होगी, और आई होप बहुत पूरी मेहनत करूँगा मैं जैसा फिल्म बनाने के लिए, शायद आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर पसंद भी ना आए तो कोई बात नहीं, अंगूठा ऐसा करो कि पसंद आएगी, तो नहीं तो फिर ऐसा तो करना ही है। और सब्सक्राइब तो इसलिए करना है कि हाँ जो मेरी फिल्म रिलीज हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए कि हाँ ये फिल्म अपलोड हो रही है इतनी बजे, ठीक है। और इस फिल्म का जो सेकंड ट्रेलर अभी कुछ दिनों बाद लॉन्च होगा, उसमें आपको शायद ही एकदम अलग टाइप की चीज़ देखने को मिलेगी कि हाँ ये चीज़ भी भगरू में बन सकती है, ये फिल्म भी एक छोटे लेवल पर बन सकती है एक कम बजट में। तो वो ये आप सभी का मुझे 110% मेरे को सपोर्ट है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, बहुत शायद थैंकफुल हूँ कि मैं कह नहीं सकता, इतना अच्छे तरीके से आपने कम समय मेरे को बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट पूरा कर रहे हो। आई होप जैसा आपका सपोर्ट है, जैसा प्यार मिल रहा है, वैसे ही मैं फिल्म आपको बना के दूंगा और कोशिश करूंगा पूरी से पूरी। और आप लोग जो सच है, मैंने एक ही बात बोली कि पब्लिक मीन्स आप लोगों से ज़्यादा अच्छा रिव्यू कोई नहीं दे सकता, वो फिल्म आते ही पता चल जाएगा कि आप लोग थम्स अप कर रहे हो कि थम्स डाउन कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच। ये जो ब्लॉग है जो एक बनाने का वही था कि जो मेरी फिल्म का बजट आप लोगों को बता सकूँ,
फिल्म में क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सब कुछ, और बगरू बगरू के आसपास की लोकेशन पे ही शूट होगी। और राक्षस कोई इस फिल्म में भूत नहीं है, वो एक करेक्टर है, इंसान ही है, तो वो चीज़ आप अच्छे से समझ के चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, बाय।